दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं जो कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहले जो अपडेट है यूपी SSSC से है, लेखपाल एडिशनल रिजल्ट को लेकर के। दूसरी जो अपडेट है वो DSSSB से नए विज्ञापन को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं लेखपाल के बारे में, इसके बाद बात करेंगे नए विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 20 नवंबर 2023 को UP SSSC की तरफ से नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि 8085 पदों पर जो इसका रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 27455 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया था, ये आयोग द्वारा 2 मई 2023 को जारी किया गया था। ठीक है, इसमें से 22 अभ्यर्थियों को परीक्षा में डिवार किया गया, शेष जो 27435 अभ्यर्थी थे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 19 सितंबर से 30 नवंबर तक आयोग में चल रहा है। अब आगे बताया गया कि अब जो सामने डेटा निकल के आ रहा है इसमें ये देखा गया है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अनुसार जो 36 आरक्षणवार वैकेंसीज हैं और जो पद हैं उनके सापेक्ष में कुछ अभ्यर्थी कम पड़ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर SC स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के जो विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें पद थे, उस पद में जो संभावित कमी है उनको देखते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार यहाँ पर कुछ नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अब जो नए अभ्यर्थी चयन किए गए हैं उसमें देखिए बोला गया है SC के 100 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष में 101 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में 200 चाहिए तो इन्होंने 207 चयन किया है। भूतपूर्व सैनिक में 200 चाहिए इनको तो 203 चयन किया है। महिला में 300 चाहिए इनको 331 का चयन किया गया है। कुल 842 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और आज 20 नवंबर को जो रिजल्ट जारी किया गया है 842 अभ्यर्थियों का, उनका जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। यानी ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ तक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, इससे अगर आपके मार्क्स नीचे हैं तो आपका चयन नहीं किया गया, इसके ऊपर है तो आपका चयन किया गया है। तो फिलहाल देखिए जो SC की कट ऑफ है, ST की कट ऑफ है वो 64.25 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की है 66.25, भूतपूर्व सैनिक की है 64 और महिला की है 75। ये यहाँ पर कट ऑफ है। ऊपर जहाँ पर मैंने आपको SC बताया था यहाँ पर ST है ना कि SC, ठीक है, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई, देखिए ST के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो अभ्यर्थी चयनित किएगा अनुपूरक सूची में, ठीक है, जो पहले सूची जारी की गई थी वो नहीं है, ये बिल्कुल नए फ्रेश अभ्यर्थी हैं जिनका एडिशनल रिजल्ट में चयन किया गया है। तो एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है यहाँ पर, तो आप लोग अपना यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। अब इन अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया है कि इन अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 2 दिसंबर व 4 दिसंबर को करवाया जाएगा और जो UP SSSC कार्यालय वहीं पर करवाया जाएगा, और इनके डॉक्यूमेंट के लिए जो विस्तृत कार्यक्रम है अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है, कि कब किस दिन आपका DV पड़ेगा। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रिजल्ट आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं DSSSB के नए विज्ञापन को लेकर के। यहाँ पर देखिए आज 20 नवंबर को ये नया विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो है वह 4/2023 है। इसमें दो प्रकार के पद हैं। पहला जो पद है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर या प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, पद यही है बट डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग अलग है। कुल पद यहाँ पर हैं 80 और इन पदों पर देखिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो 5 दिसंबर 2023 से आप लोग इसमें फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 3 जनवरी 2024 आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी, यानी 5 दिसंबर से आवेदन प्रारंभ हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कोड देखिए 801/2023 है। पद का नाम मैंने बता दिया वेलफेयर ऑफिसर या प्रोविजन ऑफिसर या प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग है। पहला जो पद है वो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ग्रेड पे इसमें 4200 का रहेगा। पद भी सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, हर कैटेगरी के पद हैं यहाँ पर, टोटल पद 80 हैं और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अब यहाँ पर अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर पद जो है उसमें देखिए कुल वैकेंसी जो है आपके सामने 43, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कि मास्टर डिग्री आपके पास सोशल वर्क में होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर ऑफ आर्ट यानी MA सोशोलॉजी से किया हुआ तब भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है क्रिमिनोलॉजी में तब भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, माध्यमिक लेवल में आपके पास हिंदी होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं, बाकी कंपलसरी कुछ भी नहीं है। पे स्केल मैंने बता दिया 4200 ग्रेड पे की जॉब है, मिनिमम जो स्टार्टिंग बेसिक पे 44900 बनेगा, बाकी 7000 बोनस अलाउंसेस वगैरह जोड़ते हुए 60000 के ऊपर ही आपकी सैलरी बनेगी। जो एज है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर एज रखी गई है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र उनको यहाँ पर जो है ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी मिलेगा। अब दूसरी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 37। यहाँ पर अगर मैं क्वालिफिकेशन देख रहा हूँ तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट यानी सोशोलॉजी MA सोशोलॉजी, और लास्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी। तो क्वालिफिकेशन सेम है, क्वालिफिकेशन में कोई अंतर नहीं है, और एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। जो MA सोशोलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं आराम से फॉर्म भर सकते हैं, 30 साल इसमें भी एज है, तो ये आपके पास एक बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ बोला गया जो क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, ये 3 जनवरी 2024 से आपका काउंट किया जाएगा, इसके पहले आपका जो है सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आप लोग DSSBonline.NIC.in पर जा सकते हैं, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये फीस है, लेकिन जितने भी महिलाएँ हैं जो SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, इनको कोई भी फीस पेड नहीं करनी, यानी फीस केवल जनरल और OBC के छात्रों को ही पेड करनी होगी, वो भी पुरुष अभ्यर्थियों को, महिलाओं को किसी को नहीं करनी है, सभी कैटेगरी के महिलाओं को यहाँ पर फीस जो है निःशुल्क है। अब यहाँ पर हम नज़र डाल लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो यहाँ पर 1 टीयर में आपका एग्जाम होगा। देखिए बताया गया है कि DSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन इसके लिए होगा, और ये आपके पास शेड्यूल यहाँ पर दिया गया, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, 300 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ग्रैंड टोटल 300 का रहेगा। अब यहाँ पर सेक्शन बांटे गए, 2 सेक्शन यहाँ पर रहेंगे। पहला जो सेक्शन है इसमें आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा, हिंदी कंप्रिहेंशन होगा, और मैथ से संबंधित डाटा इंटरप्रिटेशन संबंधित क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर का एक सेक्शन रहेगा, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका रहेगा सेक्शन फर्स्ट। इसके बाद सेक्शन टू रहेगा, ये आपका 200 नंबर का रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, लिखा है MCQs पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, यानी सोशल वर्क या MA सोशोलॉजी संबंधित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका छपा होगा, ठीक है, और बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के बेस पर यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका चयन हो जाएगा। तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, और आप लोग जो इसके लिए फॉर्म भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। पासिंग मार्क मिनिमम यहाँ पर 40% है जनरल EWS के लिए, OBC डेली के लिए 35% है, SC ST PH के लिए 30% है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये नोटिफिकेशन भी हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।